शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है स्नेह शक्ति की कमाल। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दिन चल रहे थे, लोकमान्य तिलक जी मांडले जेल में कैदी बन करके रहते थे। उनका स्वभाव इतना सरल, इतना सहज, इतना मीठा था कि सारे कैदी उनसे गुलमुल गए। वो सभी को मदद करते थे, उन्होंने सबकी दिल को जीत लिया था। कैदियों में एक कैदी था जिसका नाम कुलकर्णी था। वो बहुत ही श्रद्धा से तिलक जी का सेवा करता था। एक बार जब कुलकर्णी जी तिलक जी के पास नहीं आए तो तिलक जी को थोड़ी चिंता हुई, तो वो खुद कुलकर्णी के पास पहुंचे और जाके देखा तो वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। तो तिलक जी उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों में कुलकर्णी जी भी स्वस्थ हो गए। जेलर ने जब तिलक जी का ये व्यवहार देखा तो उन्हें ये लगता था कि इतनी बड़ी हस्ती और कैसे एक सामान्य कैदी की सेवा कर रहा है। फिर उन्होंने एक बार देखा कि एक स्पैरो तिलक जी के कंधे पे आकर के बैठ गई, तो तिलक जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया, फिर वो उनके गोद में आकर के बैठ गई। जेलर से रहा नहीं गया तो जेलर ने उनको कहा कि क्या आपको इस स्पैरो से डर नहीं लगता है? तो तिलक जी ने मुस्कुरा करके कहा कि बिल्कुल नहीं, पंछी भी प्यार की भाषा समझते हैं, उनको भी विश्वास है कि मैं इसको कोई भी हानि नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यही कारण है कि जेल में जो कैदी हैं उनके साथ मेरा आत्मीय संबंध है, क्योंकि जहां दवा भी काम नहीं कर सकती है वहां पर ये मीठी वाणी और मीठा व्यवहार हमें बहुत मदद करता है। ऐसे थे हमारे लोकमान्य तिलक जी। तो कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि हमें भी अपने जीवन में, चाहे पशु पंछी है, चाहे व्यक्ति है, चाहे जड़ वस्तु है, चाहे चैतन्य है, चाहे प्रकृति है।